हरिओम तत्सत। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। संसार के अन्य विज्ञानों की भांति राजयोग भी एक विज्ञान है। यह विज्ञान मन का विश्लेषण तथा अतीन्द्रिय जगत के तथ्यों का संकलन करता है। हमारे अस्तित्व की सीमा केवल चेतना अथवा स्मृति नहीं हो सकती, एक अतिचेतन भूमिका भी है। इस अवस्था में और सुषुप्ति में संवेदनाएं नहीं प्राप्त होती, किंतु इन दोनों के बीच ज्ञान और अज्ञान जैसा आकाश पाताल का भेद है। मन की एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का उद्गम है। योग हमें जड़ तत्व को अपना दास बनाने की शिक्षा देता है और उसको हमारा दास होना ही चाहिए। योग का अर्थ जोड़ना है, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, मिलाना। मन चेतना में और उसके नीचे के स्तर में कार्य करता है। हम लोग जिसे चेतना कहते हैं, वह हमारे स्वरूप की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। हमारा यह अहम किंचित मात्र चेतना और विपुल अचेतना को घेरे रहता है, जबकि उसके परे और उसकी प्रायः अज्ञात अतिचेतन की भूमिका है। श्रद्धा भाव से योग अभ्यास करने पर मन का एक के बाद एक स्तर खुलता जाता है और प्रत्येक स्तर नए तथ्यों को प्रकाशित करता है। हम अपने सम्मुख नए जगतों की सृष्टि होती सी देखते हैं। नई शक्तियां हमारे हाथों में आ जाती है, किंतु हमें मार्ग में ही नहीं रुक जाना चाहिए। और जब हमारे सामने हीरो की खान पड़ी हो तो कांच के मणियों से हमें चौंधना नहीं चाहिए। केवल ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति ना हो पाना ही हमारी मृत्यु है। सफलता कांक्षी साधक के लिए तीन बातों की आवश्यकता है। पहली, दैहिक और पारलौकिक इंद्रिय भोग वासना का त्याग और केवल भगवान और सत्य को लक्ष्य बनाना। हम यहाँ सत्य की उपलब्धि के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। भोग पशुओं के लिए छोड़ दो, जिनको हमारी अपेक्षा उसमें कहीं अधिक आनंद मिलता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और मृत्यु पर विजय तथा प्रकाश को प्राप्त कर लेने तक उसे संघर्ष करते ही रहना चाहिए। उसे फिजूल की बात चित्त में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। समाज की पूजा एवं लोकप्रिय जनमत की पूजा मूर्ति पूजा ही है। आत्मा का लिंग, देश, स्थान या काल नहीं होता। दूसरी है सत्य और भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। जल में डूबता मनुष्य जैसे वायु के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही व्याकुल हो जाओ। केवल ईश्वर को ही चाहो और कुछ भी स्वीकार ना करो। जो आभास मात्र है उससे धोखा ना खाओ। सबसे विमुख होकर केवल ईश्वर की खोज करो। तीसरी बात में 6 अभ्यास हैं। मन को बहिर्मुख ना होने देना, इंद्रिय निग्रह, मन को अंतर्मुख बनाना, प्रतिकार रहित सहिष्णुता या पूर्ण तितिक्षा, मन को एक भाव में स्थिर रखना, देह को सम्यक रखो और उसका चिंतन करो, उसे कभी अलग ना करो, समय का हिसाब मत करो, अपने स्वरूप का सतत चिंतन करो, अंधविश्वास का परित्याग कर दो, मैं तुच्छ हूँ इस तरह सोचते हुए अपने को सम्मोहित ना करो। जब तक तुम ईश्वर के साथ एकात्मता की अनुभूति ना कर लो, तब तक रात दिन अपने आप को बताते रहो कि तुम यथार्थता क्या हो। इन साधनाओं के बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। हम उस सर्वातीत सत्ता या ब्रह्म की धारणा कर सकते हैं, पर उसे भाषा के द्वारा व्यक्त करना असंभव है। जैसे ही हम उसे अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही हम उसे सीमित बना डालते हैं और वह ब्रह्म नहीं रह जाता। हमें इंद्रिय जगत की सीमाओं के परे जाना है और बुद्धि से भी अतीत होना है, और ऐसा करने की शक्ति हम में है। ओम तत्सत। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग का दूसरा चैप्टर।
इस पाठ का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। हम सभी एक केंद्र में जा मिलेंगे। कल्पना शक्ति प्रेरणा का द्वार और समस्त विचार का आधार है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक महती कल्पना शक्ति से संपन्न थे। प्रकृति के रहस्यों की व्याख्या हमारे भीतर ही है। पत्थर बाहर गिरता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अति आहार करते हैं, जो उपवास करते हैं और जो अत्यधिक सोते हैं, जो अल्प सोते हैं, वे योगी नहीं हो सकते। अज्ञान, चंचलता, ईर्ष्या, आलस्य और अतिशय आसक्ति योगाभ्यास के महान शत्रु हैं। योगी के लिए तीन बातों की बड़ी आवश्यकता है। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर धकेलने वाली सभी बातों का परित्याग करना आवश्यक है। द्वितीय, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दर्शन आदि होंगे, पर बाद में वे सब अंतर्हित हो जाएंगे। यह सबसे कठिन समय है, पर दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तृतीय, अध्यवसाय या लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सभी दशाओं में साधना में एक दिन का भी नागा ना करो। साधना का सर्वोत्तम समय दिन और रात की संधि का समय है। यह हमारे शरीर की हलचल के शांत रहने का समय, चंचलता और अवसाद दोनों दशाओं का उस समय आधिक्य नहीं रहता। यदि इस समय ना हो सके तो नींद से उठते ही और सोने से पूर्व अभ्यास करो। नित्य स्नान करना, शरीर को अधिक से अधिक स्वच्छ रखना आवश्यक है। स्नान के पश्चात बैठ जाओ, आसन दृढ़ करो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ हो। तुम्हें कुछ भी विचलित करने में संभव नहीं है। सिर, गर्दन और कमर एक सीधी रेखा में रखो, पर मेरुदंड के ऊपर जोर ना डालो। सारी क्रियाएं मेरुदंड के सहारे से ही होती है, अतः इसको क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य ना करो। अपने पैर की अंगुलियों से प्रारंभ करके शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिरता पर भावना करो। इस भाव को अपने में चिंतन करो और यदि चाहो तो प्रत्येक अंग का स्पर्श करो। प्रत्येक अंग पूर्ण है, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए धीरे धीरे ऊपर चलकर सिर तक आओ। फिर समस्त शरीर के पूर्ण यानी निर्दोष होने के भाव का चिंतन करो। इस प्रकार विचार करो कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करने हेतु यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। यह वह नौका है जिस पर बैठकर मुझे संसार समुद्र पार करके अनंत सत्य के तट पर पहुंचना है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से एक दीर्घ श्वास लो और उसे बाहर निकाल दो। इसके पश्चात जितनी देर तक सरलतापूर्वक बिना श्वास लिए रह सको रहो। इस प्रकार के चार प्राणायाम और फिर स्वाभाविक रूप से श्वास लो और भगवान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। मैं उस सत्ता की महिमा का चिंतन करता हूँ जिसने विश्व की रचना की है। वैरे मेरे मन को शुद्ध और प्रबुद्ध करे। 10-15 मिनट इसी भाव का ध्यान करो। अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी को ना बताओ। यथासंभव कम से कम बात करो। अपने विचारों को सद्गुणों पर केंद्रित करो। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पवित्र चिंतन हमें अपनी समस्त मानसिक मलिनताओं को भस्म करने में सहायता देता है। जो योगी नहीं है वह दास है। मुक्ति लाभ के लिए एक एक करके सभी बंधन काटने होंगे। इस जगत के परे जो सत्य है उसको सभी लोग जान सकते हैं। यदि ईश्वर की सत्ता सत्य है तो अवश्य ही हमें उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। और यदि आत्मा जैसी कोई सत्ता है तो हमें उसे देखने और अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए। यदि आत्मा है तो उसे जानने का एकमात्र उपाय है देह बुद्धि के परे जाना। योगी इंद्रियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित करते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, अथवा ज्ञान और कर्म। अंतर इंद्रिया या अंतःकरण के चार स्तर हैं। प्रथम मन अथवा मनन,
अथवा चिंतन शक्ति। इसको संयत ना करने से प्रायः यह समस्त शक्ति नष्ट हो जाती है। उचित संयम किए जाने पर यह अद्भुत शक्ति बन जाती है। द्वितीय बुद्धि अथवा इच्छा शक्ति, इसको बोध शक्ति भी कहा जाता है। तृतीय अहंकार अथवा अहम बुद्धि। चतुर्थ चित्त, अर्थात वह तत्व जिसके आधार और माध्यम से समस्त वृत्तियां क्रियाशील होती हैं। मानो यह मन का धरातल है अथवा वह समुद्र है जिसमें समस्त वृत्तियां तरंगों का रूप धारण किए हुए हैं। योग वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम चित्त को अनेक वृत्तियों का रूप धारण करने अथवा उनमें रूपांतरित होने से रोकते हैं। समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस प्रकार तरंगों के कारण अस्पष्ट अथवा छिन्न विच्छिन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा अर्थात सत्स्वरूप का प्रतिबिंब भी मन की तरंगों से विच्छिन्न हो जाता है। समुद्र जब दर्पण की भांति तरंग शून्य होकर शांत हो जाता है, तभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जब चित्त अथवा मन संयम के द्वारा संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। यद्यपि चित्त सूक्ष्मतम रूप में जड़ ही है, तथापि वह देह नहीं है। वह देह द्वारा चिरकाल तक अबद्ध नहीं रहता। हम कभी कभी देह ज्ञान भूल जाते हैं, यही इसका प्रमाण है। अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके हम इच्छा अनुसार इस अवस्था की प्राप्ति के लिए अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करने में पूर्ण समर्थ हो जाएं, तो समस्त विश्व हमारे वश में हो जाए, क्योंकि हमारी इंद्रियों द्वारा जो सब विषय हमारे समीप पहुंचते हैं, उन्हीं को लेकर यह जगत है। स्वाधीनता ही उच्च जीवन की कसौटी है। आध्यात्मिक जीवन उस समय प्रारंभ होता है जिस समय तुम अपने को इंद्रियों के बंधन से मुक्त कर लेते हो। जो इंद्रियों के अधीन है वही संसारी है, वही दास है। चित्त को तरंगों का रूप धारण करने में संपूर्णतया रोकने में समर्थ होने पर हमारी देह का नाश हो जाता है। इस देह को तैयार करने में करोड़ों वर्षों से हमें इतना कड़ा परिश्रम करना पड़ा है कि उसी चेष्टा में व्यस्त रहते रहते हम यह भूल ही गए कि इस देह की प्राप्ति का वास्तविक उद्देश्य पूर्णत्व प्राप्ति है। हम सोचने लगे हैं कि इस देह को तैयार करना ही हमारी समस्त चेष्टाओं का लक्ष्य है। यही माया है। हमें इस भ्रम को मिटाना होगा और अपने मूल उद्देश्य की ओर जाकर इस बात का अनुभव करना होगा कि हम देह नहीं हैं, यह तो हमारा दास है। मन को देह से अलग करना, उसे देह से पृथक करके देखना सीखो। हम देह के ऊपर संवेदना और प्राण को आरोपित करते हैं और फिर सोचते हैं कि वह चेतन और सत्य है। हम इतने दीर्घ काल से इस देह रूपी आवरण को पहने हुए हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम और देह एक नहीं हैं। योग हमें देह को इच्छा अनुसार त्यागने तथा उसे अपने दास, अपने साधन, ना कि स्वामी के रूप में देखने में सहायता करता है। योगाभ्यास का प्रमुख लक्ष्य मानसिक शक्तियों का नियंत्रण करना है। दूसरे, उन्हें पूर्ण एकाग्रता से किसी एक विषय पर केंद्रित करना है। यदि तुम बहुत बात करते हो तो तुम योगी नहीं हो सकते।